बेगूसराय के नौलागढ़ का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। यहाँ की अभी किंवदंतियाँ हैं कि यहाँ के किसान अगर अपने खेत में गेहूं, धान, मक्के का उत्पादन करते हैं तो उन्हें सोने का उत्पादन होता है। ये सुनकर आपको भले ही आश्चर्य लगे, लेकिन इस धरती को लेकर ये कहानी सही है। नौला का इतिहास काफ़ी प्राचीन है, यहाँ की बताया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही स्थान है जिसके बारे में जिला प्रशासन के द्वारा ये जिक्र किया जा चुका स्थान, या लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे इस पोखर के पास सोने की नाव है। और जगह की क्या कहानी है? इस जगह का कहानी है, ये जो है पोखरा, इसको नौला बड़ी पोखर के नाम से जाना जाता है। और इसका जो है सो पूरा मैंने इसमें नाव, राजा नल का यहाँ स्थान था, नाव वगैरह ये सब यहाँ हम लोग सुनते हैं, जानते हैं नहीं है। मैंने यहाँ पर खुदाई प्रतिबंधित है या खुदाई करते हैं? नहीं, खुदाई तो प्रतिबंधित है। यहाँ पर खेत जोतने के दौरान क्या क्या मिलते हैं किसानों को? बहुत सोने के सिक्के मिले हैं, घैला मिले हैं, चांदी, कौड़ी, बहुत सारे सामान मिलते हैं यहाँ पर। किन किन चीज़ों का उत्पादन करते हैं? गेहूँ होता है, मक्का होता है। जिला प्रशासन के द्वारा क्या प्रतिबंध लगाया गया? ज़्यादा गड्ढा खोदने से रोक लगा है। यहाँ पर खेत जोताई के दौरान क्या क्या मिलता है? सोना का सिक्का मिलता है, कौड़ी मिलता है, अबरख मिलता है, गिरवा मिलता है, चांदी मिलता है। आपकी कितनी आबादी होगी? लगभग अभी 20,000 के करीब है। कितना भूमि है ऐसा? करीब 300 हेक्टेयर है। यहाँ पर क्या प्रतिबंध है? यहाँ पर तिनफारा जिसको कल्टी बोलते हैं, ये लगना मना है, ताकि जो ऊपरे में निकल जाता है हर चीज़, हर सौदा निकल जाता है। और यहाँ बहुत लोग जो हैं तो जेसीबी से मट्टी कटा के बिक्री करते हैं, ताकि अवैध कुछ मिल जाए, अवैध कुछ मिल जाए। इसीलिए जेसीबी प्रशासन से आप क्या कहेंगे? जिला प्रशासन से ही कहेंगे जो सही रूप से इसको जाँच किया जाए। स्थानीय किसानों का मानना है कि गहरी खुदाई नहीं होने के कारण यहाँ अच्छी उपज भी नहीं होती है। बात पुरातत्व की करें तो यहाँ से तकरीबन 20 वर्ष पहले तक यहाँ पे पहरेदार हुआ करते रहे, जो इसके सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते थे। लेकिन 20 वर्षों से अब तक यहाँ पर ना तो कोई पहरेदार है और ना ही जिला प्रशासन की पुरातत्व धरातल को संरक्षित करने को लेकर किसी प्रकार की योजनाएँ हैं। कहते हैं पाल कालीन जो दरवाज़ा था, मुख्य द्वार था राजा का, यही हुआ करता था। आज ये खंडहर हो चुकी है और इसे खुदाई कर अस्तित्व को भी मिटाया गया है। लेकिन सामने जो देख सकते हैं ये पोखर है, वहाँ से चाइना तक की जो व्यापार मार्ग हुआ था, करता था राजा महाराजों का, पालकालीन समय में यही व्यापार मार्ग था और जिससे इस गढ़ का विकास होता था। इसका संबंध जयमंगला गढ़ से भी है, जिसे एशिया के सबसे बड़े खारे पानी की झील जो है उसमें सम्मिलित किया जा चुका है। बाल काल में जो संपन्न लोग होते थे वो अपना इसका ईंट का घर बनाते थे, बाकी लोग झोपड़ी में रहते थे। पुरातत्व विभाग यहाँ पे जो खुदाई पर प्रतिबंध है, इसके लिए एक सिपाही की तैनाती भी हुई थी, लेकिन तकरीबन 20 वर्ष पूर्व उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से यहाँ पर जिला प्रशासन और सरकार का ध्यान अब तक आकर्षित नहीं हो पाया है। अब देखना यह होगा कि न्यूज 18 पर दिखाए गए इस खबर के बाद जिला प्रशासन किस प्रकार संज्ञान लेती है और यहाँ के किसानों के हित में, स्थानीय लोगों के हित में, साथ ही पुरातत्विक संरचना और धरातल को संरक्षित करने के लिए कितने कारगर उपाय रणनीति बनाती है। बेगूसराय से न्यूज 18 के लिए नीरज कुमार।